देश में कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर कार्यकर्ता पार्टी के पूर्व नेताओं को याद करते नजर आ रहे हैं। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरते भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला गया। इसी के चलते जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर स्थित कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष नरेश कटियार ने नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस अनोखे अंदाज में मनाया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महासचिव अंशु तिवारी ने शिरकत की। प्रदेश महासचिव ने जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी, तो केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि करीब 100 गरीबों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल का वितरण भी किया गया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के आगाज को लेकर उत्साह दिखाई दिया और राहुल गांधी को भारत का सबसे लोकप्रिय नेता बताया। आज क्या कार्यक्रम था? आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस था। 138वां स्थापना दिवस कांग्रेस आज मना रही है, तो इसी उपलक्ष में कानपुर देहात के हमारे चिरंजीवी जिलाध्यक्ष माननीय नरेश कटियार द्वारा गरीबों को यहाँ उन्होंने एक शपथ ली है। 1000 गरीबों को सर्दी बचाने के लिए कंबल देने का काम शुरू किया है, जिसकी द्वितीय आज शायद किस्त के रूप में तीसरा चरण आज था, जिसमें लगभग 100 लोगों को कंबल आज भी बांटा गया। और सभी के आने वाले समय में दीर्घायु जीवन की प्रार्थना इस जनपद कार्यालय में की गई। राहुल गांधी फिर से एक जोड़ू न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या तैयारियां हैं? देखिए, राहुल जी के बारे में आप सभी मीडिया के लोग हैं, आप जानते हैं इस बात को कि वो एक राजनेता से ज्यादा देश को प्यार करने वाले, देश के प्रति चिंतित रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में मैं उनको ज्यादा समझता हूँ। आज संविधान दिवस के रूप में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संविधान दिवस स्थापना दिवस है, उस स्थापना दिवस को मनाने के लिए आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में कानपुर देहात में भी हम लोगों को सौभाग्य स्थापना दिवस मनाने का मौका मिला। और आज के दिन ही नागपुर में बहुत बड़ा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ RSS का गढ़ है, वहाँ से ये संदेश देने के लिए कि आज देश असुरक्षित है, संविधान व्यवस्थाएँ जितनी भी हैं वो भी नाम मात्र हैं, इसलिए न्याय की यात्रा चलाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने 14 जनवरी से शुरुआत होगी मणिपुर से, अब वो पूरे महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश सब होते हुए महाराष्ट्र में ख़त्म होगी, मणिपुर से शुरू होगी। तो ये स्थापना दिवस का केवल मकसद ये है कि जो हमारे बुजुर्गों ने इस देश की आज़ादी के लिए सारी लड़ाई